दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटरडे कोच में। दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया कॉपर का, और मेरे पास समय कम था, मैं जल्दी बाहर निकल गया, जल्दी एग्जिट कर लिया मैंने। लेकिन मैंने किस स्ट्रेटजी के तहत वो ट्रेड लिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं उस स्ट्रेटजी को शेयर करूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, आज कैसे हमने कॉपर को ट्रेड किया, और क्रूड ऑयल है ही मेरे पास पोजिशनल, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और 21 जनवरी 2019 है आज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रूड ऑयल में मेरे 4 क्वांटिटी बाई है, इसमें 1,000 रुपये का लाइव प्रॉफिट हो रहा है। देख सकते हैं आप, 1,000, 1,040, और ये कॉपर मैंने बुक कर लिया 2,000 पे। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर इसके इन्फॉर्मेशन में हम लोग चलते हैं, ये बाई क्वांटिटी 426 पर की है, जबकि हमने इसको सेल किया था 428 पर। तो हमने इसको सेल किया था 428 पर और बाई किया 426 पर। ये कॉपर है, 2 रुपये पर हमने इसको, 2,000 रुपये इसमें हमने प्रॉफिट ले लिया। तो दोस्तों, मेरे को कुछ काम था, इसलिए मैंने इसको जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन स्ट्रेटजी के अनुसार इसमें हम और रुक सकते थे। तो आइए जानते हैं क्या थी वो स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, कॉपर के चार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, कॉपर में आपको 15 मिनट का चार्ट लेना है, और मैंने इसमें यहाँ पर स्टडीज में जाकर आप देख सकते हैं, VWAP लिया है, MACD लिया है, और मूविंग एवरेज 21 का लिया है। तो आपको तीन चीज़ें इसमें लेना है, एक 21 का मूविंग एवरेज, और एक VWAP, और साथ में MACD। अब इसमें ट्रेड बनती कैसे है, या किस कंडीशन में हमको इसको बाई करना है, उसे आप समझ लीजिए। जब भी ये कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, ये देखिए किस तारीख है, ये ऊपर था, ये कैंडल ने इस कैंडल पर VWAP और 21 डेज का जो मूविंग एवरेज है, इस दोनों को इसने ब्रेक कर दिया। और उसके पहले आप MACD देखिए, MACD ऑलरेडी सेल में था, तो MACD इसी जगह पर सेल में आ गया था, लेकिन हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम सेल नहीं करेंगे। तो हमने कंफर्मेशन का वेट किया, और इस कैंडल पर ये VWAP और 21 डेज के जो मूविंग एवरेज है, उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज दी। तो इस कैंडल के नीचे आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, हाई और लो। यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट साइड में, लो 28.15 है और हाई 429 है। तो लो जो 428.15 है, जब इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई, तो मैंने 428 पर मैंने इसको सेल कर दिया। अब इस ट्रेड को हम कब तक होल्ड कर सकते थे, वो आप देखिए, ये आप इसको होल्ड कर सकते थे जब तक ये MACD दोबारा रेड लाइन को क्रॉस ना करे। मतलब आप इस पॉइंट तक आप इसको होल्ड कर सकते थे, मतलब 425 के आसपास। तो आप अगर 428 पर आपने सेल किया था, 425 पर आप बाई करते, 3 रुपये मिलते, मीन्स 3,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होता। लेकिन दोस्तों, मुझे कुछ काम था, मुझे जाना था, इसलिए मैं इसी कैंडल पर, ये एग्जॉर्सन कैंडल है, एग्जॉर्सन कैंडल बनी, तो मैंने इसी कैंडल पर 426 पर मैंने इसको सेल कर दिया। तो मेरे को केवल 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि इसमें और प्रॉफिट हो सकता था। तो दोस्तों, लोग कम पसंद करते हैं, कम प्रॉफिट होता है उसको देखना, लेकिन हमें लगा कि एक स्ट्रेटजी है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। और क्रूड ऑयल अभी हमारी ये पोजिशनल चल ही रहा है, 1,080 रुपीज़ का प्रॉफिट है, टोटल 3,080 रुपीज़ का प्रॉफिट है। दोस्तों, लगता है नेट चला गया है। तो दोस्तों, नेट चला गया था मैंने जो आपको बताया, आप यहाँ पर कहीं पर एग्जिट कर सकते थे। दूसरा एग्जिट का तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, प्रॉपर एंट्री होना चाहिए और प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। इसमें जल्दबाजी में ना तो एंट्री करना चाहिए और ना ही एग्जिट करना चाहिए। तो एक तो तरीका इसका ये है कि जब ये MACD की वाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करें, वहाँ पर हमको इसमें एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर जो आपका ये
VWAP और मूविंग एवरेज है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता है, कोई कैंडल इसके ऊपर नहीं बनती है, तब तक हम इसमें बने रह सकते थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी इसमें निकल सकते थे। तो इस तरह आपको कुल मिला के 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल सकता था। 2 से 3 हज़ार का प्रॉफिट एक दिन में कम नहीं होता। अगर आप 2-2 हज़ार रुपये करके भी प्रॉफिट करना चाहें तो एक महीने में 20 से 22 सेशन होते हैं, आप 44-42 थाउजेंड इसमें आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं बहुत ही जल्दी एक जैकपॉट स्ट्रेटजी लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आपको वो तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।